राष्ट्रपति भवन ने आधार कानून का उल्लंघन किया, मेधावी छात्रों की जानकारी सार्वजनिक की। पिछले साल के मुकाबले दिवाली पर प्रदूषण में गिरावट, लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से कई गुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद। सीबीआई बोफोर्स घोटाले की नए सिरे से जांच कराना चाहती है, केंद्र सरकार से इजाजत मांगी। दिल्ली मेट्रो के ब्लू लाइन में तकनीकी खराबी की वजह से एक घंटे की देरी से चल रही है मेट्रो, जगह जगह स्टेशनों और बस स्टॉपों पर भीड़, यात्री परेशान। राजस्थान में मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ बिना सरकारी अनुमति के जांच पर पाबंदी, वसुंधरा राजे सरकार ने पास किया अध्यादेश। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस फायरिंग में एक आदमी की मौत, 6 लोग घायल, गुस्साए लोगों ने 20 गाड़ियों को आग लगाई। यूपी के गाजीपुर में आरएसएस कार्यकर्ता और पत्रकार राजेश मिश्रा की गोली मारकर हत्या, हत्या के घटना से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्ती के बाद महाराष्ट्र में एमएसआरटीसी के कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म की, कोर्ट ने इस हड़ताल को गैर कानूनी बताते हुए तत्काल प्रभाव से काम पर वापस लौटने को कहा था।